हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं सेजवान फ्राइड राइस। आज के आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसे एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पतीले में यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखा है। पहले हम चावल को वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बासमती चावल यूज़ किया है, तो चावल को पानी से वॉश कर ले, तब तक ये पानी उबल जाएगा। तो पानी उबलने लगा है, अब हम ये वॉश किया हुआ चावल इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे ज़रा सा, तो एक तिहाई छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। इससे क्या होगा, चावल जो है वो अलग अलग रहेंगे। मिला दें इसे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, 80-85% पकाना है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं चावल को। तो यहाँ पे चावल जो है वो थोड़ा सा और पकेगा, तो 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट बाद वापस इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चावल जो है ये देखिए, इसके दाने लंबे लंबे दिख रहे हैं और यहाँ पे चावल देखिए आसानी से टूट रहा है। तो हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो चावल जो है वो गीला हो जाएगा। तो गैस को बंद किया मैंने और इसके बाद हम इसे तुरंत छान लेंगे। आप इस रेसिपी में बची हुई राइस या फिर नॉर्मल जो हम खाने के लिए राइस बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट स्टाइल चाहिए तो चावल को जो है थोड़ा सा कम पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चावल को मैंने स्ट्रेनर पे रखा है, इसे ऐसे थोड़ा सा झटक दे ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इसे थाली में स्प्रेड करके रख देंगे, नहीं तो चावल जो है वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पे पंखे के नीचे या फिर ऐसे स्प्रेड करके छोड़ दें जब तक हम सब्जियाँ फ्राई करेंगे। तो गैस ऑन करके पैन गर्म किया है मैंने, हम इसमें तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन बारीक कटी हुई ली है, थोड़ा सा गाजर कटा हुआ, फ्रेंच बीन्स लिया है, शिमला मिर्च लिया है, हरा प्याज का ये वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों अलग अलग काट के रखा है, पत्ता गोभी रखा है मैंने। सब्जी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तेल को गर्म हो जाने दें, उसके बाद हम इसमें पहले लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हल्का सा पका लेंगे और जैसे लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें ये गाजर और बीन्स डाल देंगे। गाजर और बीन्स को पकने में समय लगता है इसलिए इसे पहले डाल दें, बाकी की सब्जियां हम इसमें बाद में डालेंगे। तो इसे अलग रख दें और गाजर और बीन्स को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो इसे ऐसे चला दें। 1 मिनट बाद हम क्या करेंगे, ये बाकी की सब्जियां यानी कि शिमला मिर्च, ये वाइट वाला जो प्याज है वो डाल दें और इसके बाद हम इसमें ये बंद गोभी डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन का हरा वाला पार्ट नहीं यूज़ करेंगे, वो बाद में डालेंगे। सब्जियों को हम आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे पका लिया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। ध्यान रहे सॉस में नमक रहता है तो नमक कम डालें। 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पे रेड चिली सॉस डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सेजवान चटनी या फिर सेजवान सॉस यूज़ करें। मैं यहाँ पे रेडीमेड सेजवान चटनी यूज़ कर रही हूँ। मेरे चैनल पे होममेड सेजवान सॉस की रेसिपी है, आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस फ्राइड राइस को स्ट्रीट जैसा बनाने के लिए या फिर रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए फूड कलर ऐड करें। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको कलरफुल चाहिए जैसा होटल में मिलता है तो थोड़ा सा फूड कलर आप यहाँ पर ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करें। मिला दें इसे। फूड कलर डालने से इसका जो कलर है वो देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें राइस डालेंगे। तो ये बॉयल किया हुआ राइस जो हमने रखा है ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे और आपने देखा कि चावल जो है वो एकदम खिले खिले अलग अलग दिख रहे हैं, जो कि हमें फ्राइड राइस में चाहिए होता है। मिला दें इसे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे टॉस कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर ऐसे टॉस कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। आप कोशिश करें कि स्पैचुला का यूज़ इसमें कम करें। लास्ट में हम इसके ऊपर ये स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। मिला दें इसे और ये हमारा सेजवान फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ मैं, बहुत ही कलरफुल दिखता है ये, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और ये देखिए एकदम जबरदस्त दिख रहा है ना।
अगर आपको और भी ये कलरफुल चाहिए तो फूड कलर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि फूड कलर इसमें कम यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें। तो ये हमारा मज़ेदार सेजवान फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।